वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड दोस्तों, आपके एंड्रॉइड डिवाइस के लिए टोटल 5 इंपॉर्टेंट एंड हिडन सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जिसको इनेबल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जस्ट बिकॉज आपका जो प्राइवेसी है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी और उसके साथ साथ आपका एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो टॉप लेवल की होने वाली है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है हर एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, तो बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट के इस कमाल की वीडियो को हम शुरू करते हैं। ओके, अगर आपके भी एंड्रॉइड डिवाइस में बाय डिफॉल्ट गूगल मैसेज वाली एप्लीकेशन है, जहां पर आप सारे मैसेजेस को इजीली एक्सेस करके उसे रीड आउट करते हो एंड वहां पर हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस होती है ना, वो सारी की सारी वहां पर देखने को मिलती हैं। एंड दोस्तों, इसमें ना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज होती है OTP, वन टाइम पासवर्ड का। और ये जो OTP है ना भाई, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जस्ट बिकॉज कहीं भी हम लॉगिन वगैरह करते हैं तो वहाँ पर OTP मांगता है। तो OTP आप किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हो, बट एक दिक्कत होती है ना कि OTP जब भी आपकी मैसेज में आती है ना, तो वो वहाँ पर रह जाता है, यानी कि आप डिलीट भी नहीं कर सकते हो। तो इससे क्या है ना कि कोई भी अदर बंदा आपकी OTP को ईजिली एक्सेस करके उसे देख सकता है और उसके साथ कुछ भी गलत कर सकता है। तो इस सिचुएशन में ना गूगल इस मैसेज वाली एप्लीकेशन में एक बेहतर फीचर दिया गया है, जहां पर से इसको इनेबल कर दो ना, तो आपके जितने भी OTP वाली मैसेजेस है ना, वो ऑटोमेटिकली 24 आवर्स के बाद डिलीट हो जाएंगे एंड कोई भी गलत यूज नहीं कर सकता। जस्ट इसके लिए आपको अपने आइकन पर टैप करना, सेटिंग्स के ऑप्शन पर टैप करना, इंटर होने के बाद जनरल के ऑप्शन पर टैप करना, नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मैनेज ऑर्गेनाइजेशन का, यहां पर टैप करके इंटर हो जाना एंड यहां पर से इस वाले फीचर को इनेबल कर देना, जिसका नाम है ऑटो डिलीट OTPs। बस इसको इनेबल करते ही आपके फोन में जितने भी OTP वगैरह आएंगे ना भाई, वो ऑटोमेटिकली 24 आवर्स के बाद डिलीट हो जाएंगे एंड आप इस चीज से बच सकते हैं। अगर आपको भी एंड्रॉइड डिवाइस काफी ज्यादा स्लो चलती है, यानी कि कुछ भी एप्लीकेशन ओपन करो तो यहाँ पर स्लोली ओपन होती है, एनिमेशन वगैरह स्लोली देखने को मिलता है, बट दोस्तों मैं आपको एक ऐसा हिडन सेटिंग्स बताऊंगा ना, जिसको यहाँ पर से सेट करने के बाद आप अपने फोन को ना पूरा का पूरा फास्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको अपने फोन के सेटिंग को ओपन करना, यहाँ नीचे स्क्रॉल करके एडिशनल सेटिंग्स पर टैप करना और उसके बाद यहाँ पर से डेवलपर ऑप्शन पर एंटर हो जाना एंड नीचे स्क्रॉल करके आपको इस वाले ऑप्शन को फाइंड आउट करना है, विंडो एनिमेशन स्केल, इस पर टैप करके 0.5x पर सेट कर देना है। और उसके साथ साथ नीचे में ही एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल का, उस पर भी टैप करके 0.5x पर सेट कर देना और उसके साथ साथ एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल पर भी टैप करके 0.5x पर सेट कर देना। दैट्स इट। इतना करते ही आप जब भी किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करो ना, तो काफ़ी फास्ट ओपन होगा, जितनी भी एनिमेशन है ट्रांजिशन है ना, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगी और आपका जो एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है ना, वो टॉप लेवल की होने वाली है। दोस्तों, क्या आप भी अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए? और क्यों ना करो भाई, यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी होती है। पहला तो ये कि अगर आप कोई भी वेबसाइट में इंटर होते हो, कुछ भी काम वगैरह कर रहे होते हो, तो वहाँ पर थर्ड पार्टी कुकीज़ ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाती है और एड्स भी ब्लॉक रहते हैं, जिससे आपको कोई भी डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलता है। एंड दोस्तों, पर्सनली मैं इस इनकॉग्निटो मोड को यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें ना जो काम वगैरह ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। बट दोस्तों, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इनकॉग्निटो मोड को अपने उस पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, और अगर आप भी उस पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको प्राइवेसी नहीं मिलती है। जैसे अगर कोई भी बंदा आपके फ़ोन में इनकॉग्निटो को डायरेक्टली ओपन करेगा ना, तो आपको एक रंगे हाथों पकड़ सकता है। तो इस सिचुएशन में ना, ये जो ऑप्शन है ना, ये जो सेटिंग है ना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। उसके लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट पर टैप करना, सेटिंग के ऑप्शन पर टैप करना, नीचे में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाली ऑप्शन पर टैप करना, यहाँ पर से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉक इनकॉग्निटो टैप्स का, यहाँ पर से जस्ट इस फीचर को इनेबल कर देना। अगर आपको ये फीचर नहीं मिल रहा ना, तो सबसे पहले अपडेट कर लेना प्ले स्टोर में जा करके, और फिर जब भी आप इनकॉग्निटो को ऑन करके कुछ भी देखोगे और सडनली बैक होते हो, तो फिर से वहाँ ओपन करोगे ना, तो वहाँ पर से लॉक हो जाएगा और आपके फिंगरप्रिंट से ही वो ओपन होगा, जो काफ़ी ज़्यादा सही है और प्राइवेसी के मामले में ना काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अब हमारा अगला जो सेटिंग होने वाला है ना, ये एंड्रॉइड डिवाइस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग होने वाला है। अगर आप ऑन नहीं करोगे ना, तो भाई आपका जितने भी अकाउंट्स है ना, वो इजीली हैक कर सकते हैं कोई भी अदर पर्सन। आप चाहे इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन करते हो, या फिर फेसबुक अकाउंट, या फिर जीमेल अकाउंट, कहीं भी लॉगिन वगैरह करते हो, या फिर अदर कोई भी अकाउंट्स वगैरह लॉगिन करते हो ना, तो यहाँ लॉगिन करते वक्त कोई भी आपका फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक लॉक नहीं मांगता है, जिससे कोई भी अदर पर्सन आपके फ़ोन को ईजिली लेकर वहाँ पर से आपके अकाउंट को ईजिली हैक कर सकता है। और इस सेटिंग को ऑन करने के लिए आपको अपने डिवाइस के सेटिंग को ओपन कर लेना, नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पर प्राइवेसी ऑप्शन पर टैप करना, यहाँ पर से ऑटोफिल
वाली ऑप्शन पर टैप करना और उसके बाद पर्सनल वाली ऑप्शन पर टैप करना एंड उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिला प्रेफरेंसेस का, यहाँ पर टैप करके एंटर हो जाना एंड यहाँ पर अपना बायोमेट्रिक लॉक दे देना और उसके बाद जो सेकंड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा ना जस्ट इसको इनेबल कर देना। अब इससे बेनिफिट ये होगी कि आपका जो भी पासवर्ड वगैरह सेव है आपके पासवर्ड मैनेजर में एंड जहाँ भी कोई भी अकाउंट वगैरह लॉग इन करते हो ना ऑटोफिल का ऑप्शन आता है ना, यहाँ पर टैप करने के बाद भी आपका बायोमेट्रिक लॉक मांगेगा जिससे आप अपने अकाउंट को सिर्फ आप ही एक्सेस कर पाओगे, कोई अदर पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता। देखो हमारे एंड्रॉइड फोन में ना वाईफाई ऑटोमेटिकली एक बेस्ट नेटवर्क को फाइंड आउट करता रहता है, सर्च करता रहता है और वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट भी हो सकता है। बट दोस्तों कुछ लोगों के फोन में ना ये सेटिंग डिसेबल होती है बाय डिफॉल्ट, तो उसके लिए आपको अपने डिवाइस के सेटिंग को ओपन कर लेना। नीचे में यहाँ पर वाईफाई के ऑप्शन पर टैप करना, यहाँ पर से एडवांस सेटिंग पर टैप करना एंड यहाँ पर से इस वाले ऑप्शन पर टैप करके जस्ट इसको इनेबल कर देना। दैट्स इट। इतना करते ही आप कोई भी दूसरे एरिया पर जाओगे या फिर कहीं भी कोई भी माहौल में रहोगे ना तो यहाँ पर आपका जो वाईफाई है ना ऑटोमेटिकली बेस्ट नेटवर्क को सर्च करते रहेगा और जो भी बेस्ट नेटवर्क होंगे ना आपके डिवाइस के लिए वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। ओके, आज की इस वीडियो में आप लोगों के एंड्रॉइड डिवाइस के लिए टोटल 5 बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट हिडन सेटिंग्स के बारे में बताएं जिनको इनेबल करना काफी ज्यादा जरूरी है। और इनेबल करना जरूरी क्यों ना हो, ये हमारे प्राइवेसी को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देती है। और इन सभी सेटिंग्स में से आपको कौन से सेटिंग के बारे में पहले से पता था ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों अगर वीडियो जरा भी हेल्पफुल हुई है, वीडियो जरा भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने हर एंड्रॉइड यूजर्स के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो क्या कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको ऐसी क्वालिटी वाली कंटेंट मिलती है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।